हकीम साहब, बात करना चाहूंगी आज हर्पीस को लेके। ये क्या बीमारी है और इसके होने के कारण क्या होते हैं, नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ देखिए, एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है यहाँ सीने पर कुछ बारीक बारीक दाने फिर बड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल स्किन जो है सुर्ख हो जाती है, और ऐसी आग सी लगती है, ऐसी जलन होती है कि आदमी के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसे हर्पीस कहते हैं, और ये जिस्म का एक ऐसा जोश है जो स्किन में शुरू हो जाता है, और छाले जैसे जलने आदमी का जिस्म कहीं जल जाता है और उसकी तकलीफ होती है, ठीक वैसी ही तकलीफ हर्पीस की होती है। और इसमें बहुत तरह तरह के इलाज लोग करते हैं, कुछ टोने टोटके भी करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी देते हैं, लेकिन किसी का असर इस पर नहीं होता, और होता है असर तो नमक जैतून का असर होता है। तो जिसको भी ये बीमारी यानी हर्पीस हो, वो नमक जैतून और खाने का सोडा दो दो चुटकी दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, पानी में मिलाकर, तो इसको फायदा होना मुमकिन है। जी, रजनी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। थैंक जय हिंद, स्वागत रजनी जी आपका बहुत बहुत। यू सर। सर बहुत दिनों के बाद देखा आज आपको, जी रिपीट भी नहीं आ रहा था आपका चैनल। सर मैंने ना, मेरे दो तीन सवाल है मेरे। जी सर मेरे को वेरिकोज की प्रॉब्लम थी, आपसे काफी टाइम पहले, 2 महीने 3 महीने पहले बात हुई थी। तो वेरिकोज की प्रॉब्लम है मुझे। तो सर वेरिकोज की प्रॉब्लम तो ठीक है थोड़ी सी तो, और सर मेरे को ना थाइस की तरफ मैं पूरे नीले नीले सारे निशान हो गए, सारी नवे दिख रही हूँ, मोटी मोटी सूज रही है। और मेरी ना हिप्स तक सारे जो मतलब ऐसी पेन होता है, नीचे से लेके ऊपर हिप्स तक जाती है दर्द। तो ये प्रॉब्लम है। और सर मेरे को दूसरी प्रॉब्लम, नमक जतन ले रही हूँ मैं, एक डिब्बा खा चुकी हूँ, एक डिब्बा खा चुकी, दूसरा शुरू करा है जी सर। तो मैं रात को जैसे खाना खाती हूँ ना, खाना में करीब 7 से 7:30 बजे एक रोटी ले लेती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाती। दूध दाद मुझे सूट भी नहीं करता, मैं दूध लेती भी नहीं। तो मुझे सुबह जब मैं उठती हूँ तो सर मुझे ये होता है कि मेरा मुंह जो है ना खट्टा सा, मतलब होता है खट्टा खट्टा सा रहता है मुंह मेरा, खट्टापन मेरे मुंह में रहता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है मेरी कि मैं ना जैसे ज्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो मेरे हर ज्वाइंट में दर्द होती है, जैसे कोहनियों में, शोल्डरों में, और ये पैरों में, इनमें बहुत दर्द हो रही है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे बेटा जो ये ले रहा है माचून आर, तो सर उसके ना बीच बीच में जैसे नजले की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद उसको नजला भी हो जाता है तो वो थोड़ी सी इंग्लिश दवाई लेनी पड़ती है, क्या लेना जो जरूरी है, या नहीं भी लूँ तो भी चल जाएगा, ये प्रॉब्लम है। और उसके बाल भी झड़ रहे हैं, तो वो ये पूछ रहे थे कि सर से बात करना कि माजून आर के से ही ठीक हो जाएंगे या कोई दूसरा नुस्खा लें, जैसे कि गोंद मोरिंगा आप बताते हो कई बार, ये सवाल है सर मेरे। हाँ बेटे को माजून आर केर चल रहा है, नज़ले की दिक्कत जो है 6-7 महीने ये लेना होता है, और ऐसा कोई शख्स नहीं जिसको नज़ला ना होता हो, कभी कभी तो हो ही जाता है, मुझे भी हो जाता है। तो कभी अगर ज़्यादा हो जाए तो एलोपैथिक दवा आप ज़रूर ले सकते हैं, ले लेनी चाहिए। और किसी को भी कोई भी इलाज हमारा कर रहे हैं और कोई अर्जेंसी ऐसी है कि एलोपैथिक दवा लेनी पड़े, तो इस दवा के साथ आप एलोपैथिक दवा ज़रूर ले सकते हैं, आपका बेटा भी ले सकता है। और मरीज़ को चाहिए कि वो ये तय करें कि उनका वज़न, उनकी उनके कद
के मुताबिक है या ज़्यादा है। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न भी कम कर लें साथ में, तो और ज़्यादा फ़ायदा होना मुमकिन है। और देखिए, आप गोरी चिट्टी होंगी, आपका जो कलर है वो फेयर होगा, और फेयर लोगों का नसें नीली नीली नज़र आती है। नसें दरअसल नीली ही होती हैं। देखिए, जैसे मेरी ये नसें हैं तो सब नीली नीली हैं, तो नीली नसें दिखना कोई बुरी बात नहीं है। और वेरिकोस वेन कहते हैं नसों का हद से ज़्यादा फूला हुआ होना, पाइप की तरह बाहर की तरफ आ रही हैं, तो उसको वेरिकोस वेन कहते हैं। तकलीफ़ में आपको आसानी है, और हर महीने पहले से बेहतर अगर आप होते जा रहे हैं तो इलाज जारी रखिए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको जल्द फ़ायदा दे दें जी। सुबह इनको जो अपना मुंह है वो खट्टा खट्टा लगता है, उसके लिए हकीम साहब? हाँ, जब आप रात को खाना खाया करें तो अपने भोजन में 2-3 चुटकी जीरा पाउडर बना के रख लें, जीरा डाल लिया करें, और तब खाना खाया करेंगे तो आपको ये परेशानी जाती रहेगी। महावीर जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, आपकी भगवान से दुआ करते हैं कि आप भी ठीक हैं। जी जी। अब एक ये बेलगरी आ गई जी, अब मैंने बेलगरी खाई, खाली पेट तो माफ़ खा नहीं रही। खाना खाने के बाद खाऊं, मतलब मीठा मिला के, या इसका ऊपर दूध पी लूं ना पी लूं, इसका खाने का तरीका और मात्रा कितनी हो ये बताओ। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ जी, बस फिलहाल तो यही है, बाकी तो रोज आपका देखते हैं, रोज पूछते रहेंगे। महावीर जी, इसकी जो तादाद है वो 5 ग्राम से 10 ग्राम तक ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप खाने से पहले लें। अगर आपको खाना खाने के बाद माफिक आती है बेलगिरी, तो आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, शेक बनाकर भी ले सकते हैं। इसका आप इसे इस्तेमाल शुरू करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। यूपी से हैं कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, हमें डॉक्टर से बात करनी है। कर लीजिए बात जी। कृष्णा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। डॉक्टर, मेरे मुंह में खाले थे कई 2-3 महीने से, और उसके बाद मतलब खूब से नमक, खूब ज्यादा नमक आ रहा है खूब मुंह में, खारापन रहता है। अच्छा, देखिए, सौंफ उबालें, 2 चम्मच या 3 चम्मच सौंफ उबालें पानी में, और खूब उबालें, और फिर वो पानी छान लें, छान के दूसरे गिलास में निकाल लें, और उसमें 2 चुटकी नमक जैतून मिला दें। नमक जैतून असली होना चाहिए, 2 चुटकी नमक जैतून मिला के रोज़ाना आप 1 बार या 2 बार ये पानी पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन। मुंबई से हैं वेरोनिका हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। हाँ, मैं मुंबई से बोल रही, मैं भी हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। कर लीजिए बात मैम। हाँ सर, मुझे ना, मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने वो अभी से मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ। हाँ, तो मेरा ना एक लंग्स निकाला हुआ है। जी, लेफ्ट वाला लंग्स निकाला हुआ है, तब से मुझे ना, अभी 23 साल हो गए, तब से मुझे कुछ नहीं था, मतलब ऐसा सर्दी खांसी बार बार होता था, तो मैं एलोपैथिक दवाई लेती थी, लेकिन उससे फिर बाद में ना मुझे चलने के टाइम ना दम लगता है और गए साल से ना मुझे अभी वो लंग्स की वजह से हार्ट पे प्रेशर आ रहे हैं, और मेरा ऑक्सीजन भी कम होता है, मुझे 18 घंटे ऑक्सीजन लेना बोला है डॉक्टर ने, और बाहर जाते समय भी ऑक्सीजन लेना बोला है, तो मैं दवाई कर करके थक चुकी हूँ, मैं तो बहुत कंटाल गई मैडम, मैंने
हकीम साहब को यूट्यूब से देखा था, तब से मैंने वो कफ के लिए माजन आर केयर 2 डब्बा लिया जी, और फिर एज केयर लिया था। अभी वापस मैंने एज केयर और गोविंदिया मंगवाया है। आपके यहाँ से डॉक्टर है ना, वो बोले गोविंदिया भी ले लो, और मुझे बॉडी पेन भी होता है। मैं काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत थकान होता है, ऐसे स्पीड में खींचा आता है, दम लगता है, झाड़ू भी लगाती हूँ ना तो इतना दम लगता है ना, मुझे दम ही बहुत लगता है मुझे चलने के टाइम, बाथरूम में जाते टाइम ऐसा प्रॉब्लम है। तो मुझे कोई तो अचिन साहब से मुझे बहुत दिन से बात करते, लेकिन जीसस ने मेरा आज फोन लगाया, मेरे को थैंक यू कहती हूँ, मुझे अच्छा इलाज बताइए इसके प्लीज। देखिए बहुत हिम्मत वाली महिला हैं आप, आपकी जगह कोई और हो तो कितना मायूस हो जाए और कितना मायूस हो सकता है और जीना मुश्किल हो जाए, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हैं कि एक लंग्स ना होने के बावजूद आप काम भी करती हैं और जिम्मेदारियां भी पूरी करती हैं, वाकई आपको सलाम। तो देखिए ये माजून आर केयर तो आप 6-7 महीने लें और डॉक्टर की बात भी माने, ऑक्सीजन लिया करें, क्योंकि ये जो हमारे फेफड़े हैं ये 2 होते हैं और ये ऐसे खुलते हैं, और सिर्फ अब एक फेफड़ा है जो बहुत कम खुलता है, और ये खुलता है तो ऑक्सीजन जाता है, और जब नहीं खुलता तो हमें ऑक्सीजन बाहर से लेना ज़रूरी है। और दवाएं तीनों ठीक हैं आपकी, आप इन्हें इस्तेमाल करते रहें, और मेरी आपसे आपके लिए दुआ है कि आप बहुत लंबी सेहत की ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल।